नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज प्लस 24 में। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिन्हा। बीते शुक्रवार को ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत को देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सर और पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है। उनका इलाज चल रहा है, MRI रिपोर्ट हुई है। आगे बताया जाएगा कि उनकी हालत कैसी है कैसी नहीं। अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ऋषभ पंत कितने दिन में रिकवर हो पाएंगे। भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ शुक्रवार बड़ा हादसा हुआ। रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। पंत खुद ही कार चला रहे थे। फिलहाल ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहां उनकी कई सारी चीजें जांचें भी की गई हैं। बताया गया है कि पंत को सबसे ज्यादा चोटें सिर और पैर में आई हैं। इसी के चलते उनके ब्रेन और स्पाइन का MRI स्कैन भी कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट ने फैंस और खुद पंत को एक बड़ी राहत दी है। रिपोर्ट नॉर्मल आई है। डॉक्टर्स ने बताया है कि ऋषभ पंत की अब भी कई और जांचें होनी है। उनके टखने और घुटने का भी MRI स्कैन कराया जाना था, मगर इसे टाल दिया गया है क्योंकि पंत को काफी दर्द हो रहा था और सूजन भी थी। अब यह स्कैन आज यानी कि 31 दिसंबर को कराया जा सकता है। कार एक्सीडेंट में ऋषभ पंत के चेहरे पर चोट आई थी। कई कटे फटे घाव भी हुए और कुछ खलोचे भी आई हैं। अब इनको ठीक करने के लिए पंत ने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई है। ऋषभ पंत को दाएं पैर के घुटने और तखने में लिगमेंट की समस्या हो सकती है। इसी कारण मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ऋषभ पंत के घुटने पर पट्टी बांधी है। डॉक्टर्स ने बताया है कि पंत की स्थिति अभी ठीक है और वह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज कार खुद चलाकर होम टाउन रुड़की जा रहे थे। इसी दौरान नींद की झपकी आई और उनकी कार डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पंत ने खुद बताया कि वह विंड स्क्रीन तोड़कर वहां से बाहर निकले। इसके बाद उनके कार में भीषण आग लग गई। इस एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले एक बस ड्राइवर सुशील कुमार पंत के पास पहुंचे थे। उन्होंने ही पंत को संभाला और एम्बुलेंस को बुलाकर पंत को अस्पताल भिजवाया। सुशील ने बताया कि पंत खून से लथपथ थे और उन्होंने ही बताया था कि वो क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम को अगली सीरीज अपने घर में ही श्रीलंका के खिलाफ जनवरी के पहले हफ्ते में ही खेलनी है। भारत और श्रीलंका के बीच T20 और वनडे की सीरीज होगी। इसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, मगर इन दोनों ही सीरीज में ऋषभ पंत को बाहर किया गया है। उन्हें बाहर करने का BCCI ने कोई कारण तो नहीं बताया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि ऋषभ पंत असल में चोटिल थे। यही कारण है कि उन्हें दोनों में से किसी भी सीरीज के लिए नहीं चुना गया। बताया गया है कि ऋषभ पंत के पैर के घुटने में चोट लगी थी। यही कारण है कि पंत को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। ऋषभ पंत ने हाल ही में बांग्लादेश दौरे पर टेस्ट सीरीज खेली थी। उन्होंने अपना पिछला टेस्ट 22 दिसंबर को ढाका में ही खेला था, जिसमें उन्होंने पहली पारी में 93 और दूसरी पारी में 9 रन बनाए थे। अब पंत को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में खेलना है। वह IPL की टीम दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर रहे हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ है, यहाँ से ये बैरिकेटिंग रेलिंग तोड़कर ऑलमोस्ट हवा में होते हुए गाड़ी
ये बैरिकेडिंग्स वहां गिरा है। गाड़ी इस पोल से टकराई है। यहाँ इम्पैक्ट है और यहां से ये इस लगभग 100-150 मीटर आगे रेलिंग से टकराई।